हेलो क्लास, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे अभी। और अभी तक जितना हमने एंटीट्यूड पढ़ा है आपको समझ में आया होगा। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं उसका नाम है पेरिमीटर, एरिया एंड वॉल्यूम। इसके क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, पर इस चैप्टर में सबसे बड़ी खासियत यह है इसमें बहुत सारे फॉर्मुलेज हैं, और फॉर्मूला याद रखने की कोई बहुत बड़ी ट्रिक नहीं है। समझ के अगर आपने याद किया तो आपको एग्जाम में बहुत काम आएगा। इसके क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला बेस पे ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखते हैं इनके क्वेश्चन कैसे आते हैं। उससे पहले कौन कौन से फिगर के क्या क्या एरिया, क्या वॉल्यूम, क्या पेरिमीटर, फॉर्मूले क्या होते हैं उनको समझते हैं। तो बढ़ते हैं ट्रायंगल की तरफ। बेसिकली ट्रायंगल होता क्या है? ट्रायंगल एक ऐसी ज्योमेट्री होती है जिसमें तीन साइड्स और तीन एंगल्स होते हैं। ये जरूरी नहीं है कि तीनों साइड इक्वल है, तीनों एंगल इक्वल है। तीनों साइड अगर इक्वल हो जाएंगे, एंगल इक्वल हो जाएंगे तो उसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। दो साइड इक्वल हो गई और दो एंगल्स इक्वल हो गए तो उसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, और एक भी अगर सही नहीं होगा तो स्केलेन ट्रायंगल। तो अलग अलग वैरायटी के ट्रायंगल्स होते हैं, तो एक एक का फॉर्मूला हम देखते हैं। पहला सिंपल ट्रायंगल मतलब क्या है? जैसे बताया, ऐसा ज्योमेट्री जिसमें तीन फिगर, तीन एंगल्स होंगे और तीन साइड्स होंगे। मान लो ये एक नॉर्मल ट्रायंगल है जिसका एक साइड ए, दूसरा बी और तीसरा सी है। ठीक, ये जो सी साइड है इसको बेस भी बोला जाता है, क्योंकि ट्रायंगल को हमने ये सी साइड के ऊपर रखा हुआ है, इसलिए इसको बेस भी बोला जा सकता है। अगर मैंने सी को सी साइड जो है उसको बेस बोला, तो यहाँ पे जो एच इंडिकेट कर रहा है, जो कि स्टार्ट हो रहा है कहाँ से, वर्टेक्स से और परपेंडिकुलर टू द बेस, तो इसको जो बोलते हैं इसको बोला जाता है हाइट। ये कोई साइड नहीं ट्रायंगल की, ये हाइट इंडिकेट करता है ट्रायंगल का। तो सर यहाँ पे ए और बी क्या हो जाएगा? ए और बी हो जाएंगे स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट। ठीक है, तो यहाँ पे हाइट और स्लैंट हाइट में अगर फर्क पूछा तो सीधी बात है, वर्टेक्स से परपेंडिकुलर टू द बेस इज हाइट एंड द इंक्लाइंड साइड्स आर कॉल्ड एज स्लैंट हाइट। तो इस ट्रायंगल का अगर एरिया निकालना है तो कैसे निकालेंगे? सिंपल सा जो पढ़ते आ रहे हैं, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, वेयर बेस इज नथिंग बट सी एंड हाइट इज एच। इस फॉर्मूला से इस ट्रायंगल का एरिया निकल सकता है। अब पेरिमीटर, पेरिमीटर मतलब क्या? पूरी बाउंड्री। इसी को सर्कल के भाषा में अगर बात करें तो उसको बोलते हैं सर्कमफेरेंस। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन है कैलकुलेट द बाउंड्री, कैलकुलेट द सर्कमफेरेंस या कैलकुलेट द पेरिमीटर, समझ लेना हमको सिर्फ ऐड करना है। ठीक, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज, सारे एरिया, कोई भी एरिया, कोई भी ज्योमेट्री हो, उसका यूनिट हमेशा यूनिट स्क्वायर होता है। अब यूनिट क्या होता है? अगर आपको सारे साइड्स मीटर में गिवन होंगे तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में गिवन होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो भी यूनिट गिवन होगा उसके हिसाब से उसका स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया किसका? एरिया का यूनिट। अब दूसरा पेरीमीटर। जैसे कि देख सकते हैं कि पेरीमीटर नथिंग बट एडिशन ऑफ द थ्री साइड्स। तो अगर साइड का यूनिट है सेंटीमीटर तीनों का, तो फाइनल यूनिट क्या जाएगा? सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर प्लस सेंटीमीटर प्लस सेंटीमीटर, सेंटीमीटर एट द एंड आने वाला है। अगर जनरल में बताओ तो जनरल इसका यूनिट क्या जाएगा? सिंपली यूनिट। अब ये यूनिट कुछ भी हो सकता है, क्वेश्चन में किस तरीके का गिवन है उसके हिसाब से यूनिट का वैल्यू चेंज हो जाएगा। मीटर रहा तो मीटर, सेंटीमीटर रहा तो सेंटीमीटर। तो ये हो गया ट्रायंगल का केस। अब बढ़ते दूसरा है इक्विलेटरल ट्रायंगल। व्हाट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल? नाम भी समझ में आ रहा है, कुछ तो भी इक्वल है। ठीक है, लैटरल का मतलब होता है साइड और इक्वी का मतलब होता है इक्वल। अगर किसी भी ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल है और तीनों एंगल्स भी इक्वल है तो उस ट्रायंगल को बोला जाता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक, तो ऐसे केस में एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, रूट थ्री बाय फोर साइड का स्क्वायर। बस याद रखने लगा क्या है? रूट थ्री बाय फोर। ओके, दूसरा उसका पेरीमीटर, क्योंकि यहाँ पे तीनों साइड इक्वल है, थ्री इंटू एस करो। अगर देखोगे ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला कुछ फर्क नहीं है, यहाँ पे बस ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी अगर कर दिया, विच इज इक्वल टू एस, तो यही फॉर्मूला बनने वाला है। क्लियर, यूनिट्स की बात करें तो यूनिट्स तो सेम रहेंगे। नेक्स्ट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसो का मतलब होता है सेम। ये जो आइसो होता है, अगर आपके कोई टेक्निकल सब्जेक्ट्स में आइसो आता है तो वहां पे आइसो का मतलब हमेशा सेम ही होता है। तो सेम का मतलब क्या हो गया? सॉरी, आइसोसेलेस का मतलब क्या हो गया फिर? सेम साइड्स। यहाँ पे सेम साइड्स का थोड़ा सा फर्क है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है? तीनों साइड इक्वल है, तीनों एंगल्स इक्वल है। वही आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है? दो साइड इक्वल रहेंगी, दो एंगल्स सेम होंगे, पर एक साइड हमेशा अलग होगी, क्योंकि ट्रायंगल में तीन साइड और तीन एंगल होते हैं, उसमें से दो अगर सेम हो गए तो उसी को बोला जाता है इक्विलेटरल आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, अब इसके बेस पे फॉर्मूला, एरिया का फॉर्मूला क्या है? 3/4 अंडर रूट ऑफ 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। इस फॉर्मूले की मदद से इसका एरिया निकाला जा सकता है। सिमिलरली यहां पे आ गया क्या?
हमारा पेरीमीटर, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या जाएगा, ए प्लस टू बी, ए प्लस टू बी। यहाँ पे टू बी क्यों लिया, क्योंकि दोनों ये वाला साइड और ये वाला साइड का लेंथ सेम है, इसलिए टू बी। देखा जाए तो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला तीनों भी सेम ही है, मतलब पेरीमीटर का फॉर्मूला अभी तक तो सेम ही था। लास्ट टाइप ऑफ ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें एक एंगल फिक्स है 90 डिग्री होना चाहिए। अब यहाँ पर मैंने ट्रायंगल का ये जो 90 डिग्री यहाँ पर इंडिकेट किया, ये ऐसा भी हो सकता है, ये 90 डिग्री यहाँ पे आ गया, ये 90 डिग्री यहाँ पे आ गया, या तो फिर यहाँ पे, मतलब ट्रायंगल कैसा भी हो, उसको ओरिएंटेशन कैसा भी हो, अगर एक भी आपको 90 डिग्री दिखा, समझ लेना कि वो ट्रायंगल कौन सा है, 90 राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक, इस केस में अगर साइड एबीसी गिवन है तो एरिया कैसे निकलेगा, वही जो हमारा पहला फॉर्मूला था, हाफ इनटू बेसिक टू हाइट। रही बात पेरीमीटर की, पेरीमीटर लेंगे लेंथ ऑफ द साइड्स। अब यहां से कंक्लूजन निकल के आता है, टाइप ऑफ ट्रायंगल कुछ भी हो, पेरीमीटर का फॉर्मूला सेम है, दैट इज नथिंग बट सम ऑफ ऑल द साइड्स, वेयरएज एरिया का फॉर्मूला ट्रायंगल टू ट्रायंगल वेरी कर रहा है। ठीक है, अब यहां पे एक राइट एंगल ट्रायंगल का स्पेशल केस, मान लो कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें हमको एक एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है, दूसरा 30 डिग्री और तीसरा 60 डिग्री। देखिए, तो इस केस में अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया, एग्जाम फॉर्मेट कैसा भी हो सकता है, आपको ये हाइट गिवन होगी, ये डायरेक्टली स्पेसिफाई नहीं करेंगे कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, वो आपको एक लैंप के हिसाब से देंगे, ट्री के हिसाब से देंगे। तो उस केस में आइडेंटिफाई कैसे करें, अगर आपको ये वाला हाइट गिवन है और अगर वो लैंप या ट्री गिरने के बाद, गिरने के बाद एंगल बना रहा था 30 डिग्री का और पूछा है ये वाला लेंथ निकालो या ये वाला लेंथ निकालो, तो यहाँ पे देखिए अगर एक्स गिवन है तो उसकी मदद से हम ये बाकी के लोग निकाल सकते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे जरूरी नहीं कि रूट थ्री एक्स का वैल्यू गिवन होगा, ऐसा हो सकता है कि एक्स का वैल्यू गिवन होगा, तो एक्स का वैल्यू अगर गिवन होगा ये दो वेरिएशन निकाल सकते हैं। ये रहा राइट एंगल ट्रायंगल का केस। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट का सबसे पहला पॉइंट, यहाँ पे सारे ट्रायंगल्स में इंटीरियर सम ऑफ एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। अब इंटीरियर एंगल मतलब कौन सा है, देखिए ये एक एंगल, दूसरा और तीसरा, इन तीनों को अगर सम करेंगे तो हमेशा 180 डिग्री आना चाहिए, और ये सिर्फ इसी ट्रायंगल के लिए नहीं तो सारे ट्रायंगल के लिए ये पॉइंट वैलिड है। और यहाँ पे अगर वेरीफाई करना है तो हमने क्वेश्चन भी देखा था, एक जनरल फॉर्मूला में लिखा भी दिया था, 2a - 4 × 90। इसकी मदद से हम सारे के सारे क्वाड्रिलेटरल का या ट्रायंगल का कोई भी ज्योमेट्री हो उसका इंटर एंगल निकाल सकते हैं। वेयर एन इंडिकेट्स नंबर ऑफ साइड्स, यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स कितने, 3, इसके हिसाब से आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट पाइथागोरस थ्योरम। ये थ्योरम क्या बोलता है, अगर कोई भी ट्रायंगल जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है, उस केस में ये हाइपोटेन्यूस जिसको मैंने सी से डिनोट किया है, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब क्या, बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, जो ये जनरल फॉर्मूला है। अभी अगर ये जनरल फॉर्मूला मुझे इस ट्रायंगल के लिए लगाना है तो कैसे लगेगा, देखिए यहाँ पे हाइपोटेन्यूस क्या है, सी, सी का स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट इज द बेस, बेस इज बी, बी का स्क्वायर प्लस व्हाट इज द हाइट, इट इज ए स्क्वायर, सिंपली। या तो फिर यही पे लिख के देता हूं, यहाँ पे आंसर क्या जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से C is the hypotenuse, hypotenuse का square, B is the base, base का square, plus height का square, ये हो गया इस particular figure के लिए पाइथागोरस theorem। ठीक है, next is median। median मतलब क्या, median एक ऐसी line होती है जो join करती है midpoint of triangle with opposite vertex। अब देखो यहाँ पे समझाता हूँ, यहाँ पे ये जो height indicate किया है, ये शुरू कहाँ से हो रहा है, एक vertex से, और कहां पे जाके जॉइन हो रहा है, बेस पे कहीं तो भी, वो भी कैसे, परपेंडिकुलर। तो ये जो हाइट यहां पर मैंने इंडिकेट किया है, यही इस ट्रायंगल का वर्टेक्स भी है। अब यहां पे ये इस ट्रायंगल का मीडियन भी है। अब एक ट्रायंगल में कितनी मीडियंस होती है, 3 मीडियंस होती है। क्यों 3 होती है, क्योंकि ट्रायंगल को 3 वर्टेक्स होते हैं, हर वर्टेक्स से अगर अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर मार्क किया तो जो भी लाइन तैयार होती है इसको कहलाता है मीडियन। तो ऐसे है 3 मीडियन एक ट्रायंगल के जो कि यहाँ पे स्पेसिफाइड है। एक और चीज मीडियन के बारे में यह है, हर मीडियन ट्रायंगल के एरिया को बराबर 2 इक्वल हिस्सों में बांटती है, मतलब क्या, डिवाइड्स अ ट्रायंगल इन 2 इक्वल एरिया। अगर आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया है और बोला है कि मीडियन के हिसाब से एरिया कंप्यूट करो, सीधा डिवाइड बाय 2 किया तो आंसर निकल जाएगा। लास्ट सेंट्रोइड।
सेंट्रोइड ऐसा पॉइंट है जहां पे तीन मीडियन मीट करती है। जैसा कि देखिए यहाँ पे अगर इस फिगर को ठीक से ड्रॉ किया जाए तो हमारा क्या आंसर आ सकता है, देखिए ये ऑलरेडी एक मीडियम है। अब मैंने यहां से दूसरा मीडियम ड्रॉ किया, ठीक है, इस वर्टेक्स से इसके लेंथ तक सिमिलरली तीसरा ड्रॉ किया, ओके। तो जब ये तीनों मीडियम एक जगह पे इंटरसेक्ट होंगी, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट होती है उसी को बोला जाता है क्या, सेंट्रोइड। सेंट्रोइड की और एक खास बात यह है, ये हर मीडियम को बराबर रेशियो में बांटती नहीं है, ये 2:1 की रेशियो में बांटती है। मतलब क्या, यहां से इस मीडियम का लेंथ हो जाएगा 2 तो ये बन जाएगा 1, सिमिलरली यहां से अगर देखें तो ये बन जाएगा 2 और ये 1, ऐसे रेशियो में सेंट्रोइड मीडियम को बांटता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे ट्रायंगल के बारे में। अभी आगे देखते हैं क्वाड्रिलेटरल के बारे में।